अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी अनम असलम फ्रॉम काशीज और सहर हयात। मैं आ गई हूँ आपकी न्यू वीडियो, न्यू ड्रामे को एक्सपोज करने के लिए और उसके बारे में लोगों को बताने के लिए। तो सहर हयात, जब आपने मॉडर्न होकर काशीज को डीफेम करने की कोशिश की तो आपका ये आइडिया फ्लॉप हो गया, तो आपने फौरन सर पे दुपट्टा ओढ़कर नाउसु बिल्ला अपने झूठी बात पर कलमा पढ़ लिया। अब मैं आप तमाम लोगों को सहर की न्यू वीडियो का एक क्लिप दिखा रही हूँ। सही है, आप लोगों ने देखा कि ये कोई 3 से 4 सेकंड का क्लिप है। तो मेरा सवाल सहर से ये है कि इसकी पूरी वीडियो कहाँ है, जो पूरा पूरा सीन है, ये पूरी वीडियो है, ये पूरी कहाँ है? आप वो भी तो पब्लिक को दिखाएं, वो मुझे भी दिखाएं, और क्योंकि मैंने जो देखा बेसिकली वो ये था कि आपकी फ्रेंड के पास, वैसे तो आपका कैमरा भी आपके पास ही था, लेकिन बकौल आपके कि आपका मोबाइल जो है वो मेरी टीम के पास था, इट्स ओके। आपकी फ्रेंड का कैमरा तो वो कंटिन्यू मोबाइल और वीडियोस बना रही थी, तो उसमें से ये पूरी वीडियो मुझे बताएं आप कि ये पूरी वीडियो आपने पब्लिक को क्यों नहीं दिखाई? यहाँ पर खड़ा हुआ कोई बहुत ज्यादा मर्दों का हुजूम नहीं है यहाँ पर। अच्छा, स्टैंडर्ड टाइम इस वक्त हो रहा है 20:32, इट मीन्स के 8:30, ठीक है। और ये शूट स्टार्ट हो गया है और ये प्रोफेशनल कैमरे से जो है वो शूट स्टार्ट हुआ है सहर हयात का, जो कि उन्होंने कहा कि भाई उनके पास कोई प्रोफेशनल कैमरा नहीं था। तो आप ये देख सकते हैं कि ये प्रोफेशनल कैमरे से उनका शूट स्टार्ट हुआ है। अच्छा, ये जो है यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं है। अच्छा, इसमें जो है आप लोगों ने बहुत ध्यान से सारी चीज़ों को नोट डाउन करना है। टाइमिंग्स को मैं आप लोगों को प्रॉपरली मेंशन करती रहूँगी। और इसके अलावा जो ये पूरा शूट चल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये वही जगह है जिसकी वीडियो सहर हयात ने दिखाई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह इसी जगह की वीडियो मौजूद है जो सहर हयात की दोस्त ने बनाई थी, और सहर ने कहा था कि इस जगह की वीडियो दिखाएं। तो आप देख सकते हैं कि इस जगह पर मेरे स्टाफ का वो लड़का जो फोटोग्राफर है और बकौल सहर के हरास किया था, अब आप देख सकेंगे कि क्या हरासमेंट हो रही है या मिसबिहेव हो रहा है या रूडनेस, और वो कौन कर रहा है, मेरा फोटोग्राफर कर रहा है या सहर कर रही हैं। तो असल हकीकत ये है कि मेरा फोटोग्राफर सहर से कहता है कि चाय का कप रख दें और चलें चलें शूट स्टार्ट करें, तो इनको ये बात बहुत बुरी लग जाती है। जी, सहर को ये बात बहुत बुरी लग जाती है और वो इस पे उसको कहती हैं कि मैं सहर हयात, मुझसे कोई इस तरह बात नहीं कर सकता, और उनका मूड जो है वो ख़राब हो जाता है। तो उनके मूड को ठीक करने के लिए मेरा फोटोग्राफर उनसे कहता है कि मैं मजाक कर रहा था, फिर भी वो बहुत गंदे लहजे से बोलती हैं कि अगर ध्यान दिया हो तो आपको उसमें भी समझ आएगा, और जो मैंने देखा, मैंने डिटेल में अपने सीसीटीवी फुटेज में देखा, उससे भी मैंने इस चीज़ को नोट किया कि सहर का लहजा जो है वो बहुत हार्श था, कि मतलब आप मुझसे इस तरह से मजाक नहीं कर सकते, आपका मुझसे कोई वे नहीं बनता मजाक करने का। उस पर भी मेरा फोटोग्राफर जो है वो हंस के उनको जवाब देता है कि ठीक है, पर वो बात उससे बर्दाश्त नहीं होती और वो अपना मोबाइल जो है वो हमारे दूसरे फोटोग्राफर को दे के वहाँ उस जगह से सहर के पास से चला जाता है, और उसके बाद वो उस पूरे शूट में अगर नजर भी आएगा तो बहुत दूर नजर आएगा, जो मैं आपको दिखाऊंगी आगे, कि वो उस शूट पे फिर उसके बाद मौजूद ही नहीं है। पहले से मैंने आपको क्लिप दिखाया है, मैं शूट पर थी और मेरे पास फोन नहीं था। ये मेरी दोस्त यास्मीन है, वो अपनी वीडियो स्नैप बना रही थी, तो उसकी बैक साइड पर मैं जो बात कर रही हूँ वो आप सुन सकते हैं कि वहां पर हमारी बहस हो रही थी। तो ये छोटा सा क्लिप मुझे मिला इनकी वीडियो के बाद। मैंने ढूंढने की कोशिश की कि मुझे ऐसा कुछ मिले, बस फोन मेरा मेरे पास नहीं था क्योंकि वो कैमरा मैन शूट कर रहा था उसके हाथ में था। सेकंड थिंग इज कि मैं इनकी प्लेस पर थी, इनके पास फुटेज होंगी सारी, ठीक है, मेरे पास नहीं होंगी, मैं इनकी प्लेस पर थी और मेरा फोन भी साइड पर था, मैं शूट। अच्छा जी, मैं यहाँ पर एक और चीज ऐड करना चाहूंगी कि थोड़ा सा एक छोटा सा एक और क्लिप मैं सहर का दिखाना चाहूंगी कि सहर ने ये कहा है, जैसे कि आप लोगों ने अभी क्लिप देख लिया होगा, कि सहर ने ये कहा कि उनके पास मोबाइल नहीं था, ये जो मोबाइल था ये उनकी दोस्त यास्मीन का था। जबकि जो है, मैं सहर को थोड़ा सा याद दहानी करा दूँ कि जो यास्मीन के हाथ में मोबाइल है वो अक्सर, जाहिर सी बात है, सहर के हाथ में भी हमने देखा है, अभी इतनी सर्चिंग चल रही है, इतना देखना हो रहा है सहर को, हम देख रहे हैं, जान रहे हैं। तो जो बेसिकली यास्मीन के हाथ में मोबाइल है, आप उस मोबाइल का कवर और वो मोबाइल आप देख सकते हैं कि वो जो है वो सहर का ही मोबाइल है, जो कि आपने अक्सर सहर के हाथ में भी देखा होगा। अच्छा जी, टाइम हो रहा है अभी 20:59, इट मीन्स 9:00 हो गए हैं। अच्छा, जो ये सीन सारा क्रिएट हुआ कि सहर हयात से बदतमीजी हुई या सहर हयात को हरास किया गया, वो टाइम जो था वो 9:15 का था। उसके बाद जो है 9 बजे सहर हयात इस बैकग्राउंड से अपना शूट कंप्लीट करा के नीचे आ चुकी हैं।
हैं। अच्छा जी, आप अभी सीसीटीवी फुटेज में ये चीज़ देख रहे होंगे कि सारी बातें होने के बाद जब नीचे आई हैं और ये बिल्कुल ही कोई रिलैक्स और बहुत ही कोई इंजॉय कर रही हैं, ये बहुत ही कोई डांस कर रही हैं, मतलब इनके चेहरे से कहीं लग ही नहीं रहा कि ये किसी स्ट्रेस का शिकार हैं या इनको कोई मसला है। और आप सीसीटीवी फुटेज में देख सकते होंगे कि ये बिल्कुल ही रिलैक्स होकर डांस कर रही हैं और अपनी मोबाइल में वीडियो बना रही हैं। अच्छा जी, पीछे रेड सर्कल में आप देख सकते हैं कि जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है वो ये हाईलाइट किया हुआ है कि वो लड़का जिसके साथ इनकी बहस हुई थी वो लड़का इनसे बहुत दूर खड़ा हुआ है। सहर हयात जो है वो अपनी अम्मी की तबीयत की वजह से बहुत डिप्रेशन में थी, बहुत ही ज़्यादा कोई परेशान थी और जाहिर सी बात है बकौल उनके कि उनके साथ यहाँ मेरे स्टाफ के लड़कों ने बदतमीजी भी कर दी थी। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो जी ये बोल रही हैं, उससे पहले मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ, सो प्लीज़ आप वो वीडियो देखें। फिर ये कहती हैं कि सहर हयात वह जिसके साथ हैरेसमेंट हुई होती है वो इतना खुशी खुशी कैसे वहाँ पर घूम रहा होता है। मुझे आप एक बात बताएं, जगह इनकी, लोग इनके, स्टाफ इनका, वहाँ पर लड़के इनके इन्हीं के, मैं वहाँ पर अकेली, मेरी एक दोस्त लड़की ही समी साथ, हम वहाँ पर अकेले, मैं क्या करती वहाँ पर, मैं सर फाड़ के आ जाती। मैंने किसी तरह मुश्किल से हंसी खुशी से वहाँ से निकलना था। वीडियो आप लोगों ने देख ली, ठीक है। अच्छा जी, जो इतने डिप्रेशन का शिकार है जिसकी अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और फिर ऊपर से उनके साथ मिसबिहेव हो गया, बदतमीज़ी हो गई, तो उनका जो ये जो कच्चा बादाम पे जो ये डांस चल रहा है वो मेरी समझ में नहीं आ रहा। ये इतना प्रॉपर डांस स्टेप है, पूरी प्रैक्टिस हुई हुई है, ये प्रैक्टिस ऊपर भी ये हो रही थी, ये मैंने पहले भी आप लोगों को दिखाई थी, लेकिन ये अब प्रॉपर इनका जो है यहाँ पर डांस हो रहा है। अच्छा, ये डांस बिल्कुल रिलैक्स हो गया, बिल्कुल एक्सप्रेशन के साथ ये कर रही हैं, फुल टाइम कॉन्सेंट्रेट के साथ ये कर रही हैं। अच्छा, एक बात और भी यहाँ पर है, मतलब बातें तो इतनी सारी हैं, मुझे तो समझ नहीं आता मैं कहाँ से शुरू करूँ। अच्छा, ये जब हमारे पार्लर से गई थी तो ये वाला टिकटॉक जो है इन्होंने डाला और उसके बाद जो है इनको पता नहीं क्या सूझी, इन्होंने ये टिकटॉक जो है वो डिलीट कर दिया अपनी आईडी से, इन्होंने अपनी आईडी में डाला था ये टिकटॉक, उसके बाद इन्होंने ये अपना टिकटॉक डिलीट कर दिया। लेकिन देखें, चीज़ें छुपती तो है नहीं, सोशल मीडिया है, पावर है, तो ये वीडियो हमने देखी है और मैं अपनी ऑडियंस के सामने भी लेकर आई हूँ कि इतनी डिप्रेशन का शिकार, इतने सारे साइल से घिरी हुई सहर हयात के साथ ये वीडियो, ये टिकटॉक इस पोजीशन पे कैसे चल रही है, कैसे हो रही है, ये तो नहीं होनी चाहिए ना। मतलब आपसे बदतमीजी भी हो गई, एक तो वो आपके ऊपर डिप्रेशन, उसके बाद आपके ऊपर अपनी अम्मी की तबीयत का डिप्रेशन, फिर ये वीडियो कैसे बन गई सहर हयात। वो तो दो बैकग्राउंड पे और भी, फर्स्ट एंड सेकंड बैकग्राउंड पे भी शूट दिखा चुकी हूँ। फर्स्ट पे जहाँ पे बहस हुई थी और उसके बाद एक अपने मोबाइल में सहर वीडियो बना रही थी, सेकंड टिकटॉक बना रही थी दूसरे बैकग्राउंड पे, और थर्ड बैकग्राउंड पे तो जो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई फुल टाइम डांस हो रहा है और फुल जो है भंगड़ा चल रहा है, भंगड़ा शंगड़ा चल रहा है यहाँ पे। अच्छा जी, यहाँ पर यह है कि यहाँ पे ना ही कोई काशीस का मोबाइल ऑन है कि कोई वीडियो बन रही हो और ना ही कोई सहर हयात का मोबाइल ऑन है। हाँ, गाने चल रहे हैं सहर हयात के मोबाइल में और ये फुल टाइम हैं भंगड़े शंगड़े में, मतलब ये इनको होश ही नहीं है, ये कर क्या रही है। आप लोग भी, मैं आप लोगों को ये कहूंगी कि इस वीडियो को जरा गौर से देखें कि मतलब डांस तो एक होता ही है, तो डांस से भी कुछ ऊपर लेवल की कोई चीज चल रही है। ये फुल टाइम जो है भंगड़ा शंगड़ा इनका चल रहा है और इसमें कोई ना टिकटॉक बन रहा है और ना ही कोई वो चल रही है, कोई ना ही इसमें जो है टिकटॉक बन रहा है, ना ही कोई हमारे शूट के काम की कुछ, लेकिन ये शहर की इंजॉयमेंट चल रही है। और आप टाइम देख सकते हैं, इस वक्त 10:05 हुए हैं और 10:05 जो है ये शूट हमारा ख़त्म हो रहा है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं वही कह रही हूँ, मेरी बातें तो ख़त्म नहीं होंगी। आप लोगों ने मुझसे गार्डन की वीडियो मांगी, मैंने वन टू ऑल जो मैं कर सकती थी आप लोगों के लिए वो मैं करती जा रही हूँ। मैंने हर चीज़ आप लोगों के आगे रखी है, आप लोगों को दिखाई है, आप लोगों को बताई है। अब ये देखें, ये शूट ख़त्म हो गया है और ये मेरा जो लाइट मैन है वो लाइट लेके चला गया और ये सहर जो है वो अंदर की तरफ जा रही हैं पार्लर के। अच्छा जी, अब जो है ये टाइम हो रहा है, शूट हमारा ख़त्म हो गया और सहर वापस ऊपर से लॉन में आ चुकी है और टाइम हो रहा है 10:08 और अब जो है सहर हयात ने ड्रेस चेंज कर लिया है अपना और वो हमारे हेयर वॉश रूम हेयर वॉश कराकर अब सीट पर बैठ चुकी हैं। अच्छा जी, एक बात मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगी कि सहर जो है अपनी वीडियो में कह रही थी कि वो हमारी प्लेस पर मौजूद थी और वो बहुत डरी हुई थी और वो बहुत सहमी हुई थी, उन्हें वहाँ से निकलना था। तो देखें, अच्छा ठीक है, आप हमारा ड्रेस पहनी हुई, आप नहीं निकल सकती हैं, चले आपकी बात मान ली, आपके बाल स्टिकी हो रहे हैं, आप नहीं निकल सकती, लेकिन आप हेयर वॉश कराने के बाद अपने गीले बालों में तो निकल सकती थी ना, कोई भी बात करके, कोई भी कुछ भी कह के, आप गीले बाल तो इतना इशू नहीं थे, तो उसको प्रॉपर ब्लो ड्राई कराने की क्या ज़रूरत थी सहर हयात। सहर हयात, इसका मतलब
मतलब ये है कि आप वहाँ पे बहुत रिलैक्स थी, आप चिल पिल होके अपनी सर्विसेज में ही लगी थी, आपको कोई टेंशन नहीं थी, ना अम्मी की फिक्र हो रही थी, ना ही बिल्कुल आप गौर से सीसीटीवी फुटेज को देखें, आप बिल्कुल मतलब ये तो फिर से डांस हो रहा है ना, फिर से डांस हो रहा है और ये कुछ 11 बज रहे हैं और उछलती कूदती हुई आप जो है मेरे पार्लर से निकल रही, कहीं से ये फील ही नहीं हो रहा कि आपको भागना था, आप मेरी जगह पर मौजूद थी, आप डरी भी थी, आप सहमी भी थी, आप परेशान हाल थी, कोई चीज़ फील ही नहीं हो रही, मतलब आपका तो अभी भी मूड नहीं लग रहा और तकरीबन 11:30 बजे के करीब आप निकली हैं, ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था, मतलब आपको टेंशन ही नहीं है घर जाने की, आप तो अपनी अपने फन में लगी हैं, आप कहना क्या चाहती हैं, आपके अल्फाज, आपके जुमले, आपकी बातें सब एक दूसरे से मैच क्यों नहीं करते, क्यों मतलब आप इस तरह की ये सारी क्यूरियोसिटी कर रही हैं, क्या चाह रही हैं आप, खुल के बात करती हूँ मैंने सारी बातें आपसे खुल के की हैं, मैंने गार्डन की वीडियो भी आपको दिखा दी, मैंने हर चीज़ आप पे शो कर दी, आपकी स्टेटमेंट बदलते हुए मैंने आपको देख लिया, आपकी बातें बदलते हुए मैंने आपको देख लिया, आपकी झूठी आपकी हरकतें, आपकी बातें सब कुछ मैंने सुन लिया, ये देखें ये है आपकी, आप तमाम लोग देख लें कि सहर ने जब खूब भंगड़ा डाला तो उसके बाद उनका गला नीचे आ गया और वो दोनों ठीक करने लगी, तो मेरे स्टाफ में शाय हो गया, उनमें इतनी तमीज़ है कि वो वहाँ से हट गए, वहाँ से चले गए, और जैसे कि सहर आप जानती हैं कि शूट के लिए आप और मैं जानते हैं कि शूट के लिए हमने आपको कोई पैसे नहीं दिए और मोस्टली हम मॉडल्स को पे भी नहीं करते, हम सर्विसेज में बाटर कर देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इस तरह की हरकत करती, पैसों की ज़रूरत थी तो हम दे देते,